दूसरी मॉडल कहाँ यार, दूसरी मॉडल को बुलाओ। मिनी, मिनी सर, यार मॉडल को बुलाने भेजा था, कहाँ मर गई है? सर एक्चुअली आपने डांटा था बिनी को, इसलिए वो रोते रोते चली गई। यार डांटू नहीं तो क्या करूँ, सुबह तक काम पूरा करना है, क्लाइंट मेरे सर पर बैठा हुआ है। एनीवे यार सॉरी वॉरी बोल, कुछ भी कर, उसको बुला के लेके आ जल्दी। ओके सर। बिनी जल्दी आओ यार, सर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। क्या हुआ बिनी, कुछ बोलो ना बिनी, मेरी बात सुनो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बिनी अभी तो यहां पर थी यार। बिनी 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 तुम हो वहां पे? बिनी 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 देखो बहुत मजाक हो चुका है बिनी, सर रुके हुए तुम्हारे लिए। बिनी तुम मेरी बात सुन रही हो? बिनी बंद करो ये मजाक, चलो। बिनी तुम मेरी बात सुन रही हो? बिनी बिनी Excuse me, ma'am, थोड़ा यहाँ आ जाइए, just rest a bit behind. ना हाथ यहाँ रख दीजिए ऊपर, ये ऐसे, और ये flare को ऊपर पकड़ लीजिए. Exactly, just look straight, sir. Yeah. How's it, Shashank? Perfect frame. Thanks, यार. आज तूने मुझे यहाँ पे बुला के मेरे बीते हुए कल को जीने का वापस मौका दे दिया. ये तो ठीक है यार, बट तूने अभी तक मुझे एक बात नहीं बताई. क्या? तू आजकल अपनी फोटोग्राफी छोड़ के कर क्या रहा है यार? फोटोग्राफी कर रहा हूँ यार. ये कह सकता है कि अलग किस्म की फोटोग्राफी कर रहा हूँ. क्या? बट किस टाइप की है? छोड़ना, फुर्सत में बताऊंगा. तू कहीं जानवरों की फोटोग्राफी तो नहीं कर रहा ना? नहीं यार, लेकिन जिस दिन मैं वहां कामयाब हो गया ना शशांक, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा. होप सो यार. All the best. Thanks. ये टोनी कहाँ गया यार? उसको बीनी को लाने भेजा था, वो गायब हो गया. सर मैं दो मिनट में बुला के लेकर आता. हाँ ठीक है जा. और सुन, अभी तू गायब मत हो जाना. नहीं सर. Everything's fine. बीनी, बीनी तुम हो क्या? बिनी वहां क्या कर रही हो यार? सुबह तक काम पूरा करना मालूम है ना तुमको? चलो आओ यहाँ पर. शशांक आराम से यार, बेचारी घबराई हुई है.
ये कैसे हो सकता है? कैमरा में बिनी की जगह बूढ़ी औरत? यो शशांक ये बिनी नहीं है सर, सर सर बिनी नहीं है वो सर, वो एक कोई खतरनाक बूढ़ी है सर। देखो बिनी क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? तुम सब मेरा राज जान गए हो, है ना? ठीक है दी, दी मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है, और डॉक्टर ने भी तो कहा है कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं कराया तो मम्मी की जान को खतरा भी हो सकता है। दीप्ति तू बिल्कुल फिक्र मत कर, पापा को तो हमने खो दिया मगर माँ माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। हम इनको ऑपरेशन जरूर कराएंगे, ठीक है? पर दीप, दीप ऑपरेशन के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए ना, और हम इतने सारे रुपए लाएंगे कहाँ से? हम नहीं, मैं मैंने सोच लिया कि मैं नौकरी करूंगी। पर दीप, दी आपकी पढ़ाई? मैं देखती हूँ। टोलिन ग्लोबल कॉल सेंटर, रात की शिफ्ट के लिए 30 साल से कम उम्र के लोग चाहिए, इंटरव्यू रात के 11 बजे। दी, दी ये कैसी नौकरी है बिना क्वालिफिकेशंस के? बेटा ये ऐड तो मुझे गलत लग रही है, 30 से कम उम्र वालों को ही नौकरी मिलेगी? बेटा वो लोग गलत तो नहीं है? माँ अगर वो लोग गलत लोग हैं तो मैं उनसे निपट लूंगी, मगर ये इंटरव्यू देने में तो कोई बुराई नहीं है ना यार। ये बिनी का रास्ता ज्यादा ही कुछ गहरा होता जा रहा है, समझ में नहीं आता वो तो एक आम इंसान की तरह है, फिर उसकी शक्ल कैमरा में बूढ़ी औरत की तरह क्यों लग रही थी? जरूर ये किसी आत्मा का चक्कर है। वैसे ही हर्ष कहाँ रह गया? उसे कोई जरूरी काम है, वो बाद में आ जाएगा। क्या बात है यामिनी, आजकल हर्ष के बारे में पूरी जानकारी रहती है तुम्हें, चक्कर क्या है बस? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भी खबर रखती हूँ। क्या आपको नहीं पता कि बिनी कहाँ है? नहीं, वो कल रात से घर ही नहीं लौटी है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए आंटी, वो आ जाएगी। चिंता कैसे नहीं करूं बेटा, जवान लड़की है और शहर के हालात भी तो ठीक नहीं है,
क्या हुआ होगा, ये सोच सोच के तो मेरी जान निकली जा रही है। लेकिन आंटी बिनी कल रात गई कहाँ थी? कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी है ना, सुबह तक वापस लौट आती है, पता नहीं आज क्यों नहीं लौटी। एक मिनट बना दी, बिनी कॉल सेंटर में काम करती है? हाँ, तुम लोग दोस्त हो तो तुम्हें नहीं पता? नहीं आंटी, एक्चुअली उसने बताया नहीं। अच्छा, उसे ये नौकरी 3 दिन पहले ही मिली है। कौन सा कॉल सेंटर है ये? वो हाँ, टोलन ग्लोबल। टोलन ग्लोबल, हमें अभी उस कॉल सेंटर में जाना चाहिए। आंटी हम लोग निकलते हैं। अच्छा बेटा, अब बिनी का अगर पता चले तो मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल आंटी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी राघव, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि बिनी को कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये कॉल सेंटर का चक्कर क्या है बस? बिनी तो एक फोटोग्राफर की असिस्टेंट थी ना। हो सकता है कि उसने घर वालों से झूठ बोला होगा, जैसे मैं बोलती हूँ। मैं काम कुछ और करती हूँ, पर घर वालों को कुछ और मालूम है। मुझे लगता है यामिनी, हमें इस कॉल सेंटर का चक्कर एक बार लगा लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू देने आई हूँ। मुझे इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्ट्रेट जाकर लेफ्ट। थैंक यू। कमाल, पेपर में तो लिखा था 30 साल से कम उम्र के लोग चाहिए, यहाँ तो सारे के सारे बुजुर्ग हैं। Come in.
एक्सक्यूज मी मिस आशी, आपको आपको मेरा नाम कैसे पता? आई मीन मैंने तो अभी तक आपको अपना बायोडाटा भी नहीं दिया। यहाँ सवाल सिर्फ मैं पूछता। I'm sorry. Thank you. मिस आशी, आपके घर में कितने लोग हैं? जी? आप ऊंचा सुनती हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? जी, पापा गुजर गए हैं, एक छोटी बहन है और माँ है। घर पे कोई मरने वाला है? क्या? कोई बीमार है? माँ बीमार है, मगर मैं उनको मरने नहीं दूंगी, ऑपरेशन कराऊंगी उनका। मिस आशी, मरना तो एक दिन सबको ही। आप क्या बेहुदा बातें किए जा रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी ना रहे, किसी और की जिंदगी हो जाए, तो उस किसी और को क्या क्या करना पड़ेगा आपकी जिंदगी बिताने के? मेरी जिंदगी किसी और की क्यों होगी? क्यों? कोई और नहीं हो सकता क्या? देखिए, मैंने गलती की जो मैं यहाँ पर आई, अपना टाइम बर्बाद किया, मैं जा रही हूँ। ये नौकरी तो आपको करनी पड़ेगी मिस आशी, क्योंकि आप इंटरव्यू में पास हो गए। I'm sorry. दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। देखो देखो, तुम जो भी हो, मुझे यहां से जाने दो, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे ये नौकरी नहीं करनी। दरवाजा खोलो। से तुम्हारी नौकरी शुरू। हाँ।
कहाँ जाना है आपको? जी वो टोलिन ग्लोबल कॉल सेंटर, इसी बिल्डिंग में। टोलिन ग्लोबल? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगर जान प्यारी है तो आइंदा से इसका नाम मत लेना अपनी जुबान से। अरे पर हमारी दोस्त बिनी इस कॉल सेंटर में काम करती है। बिनी तो क्या कोई भी काम नहीं कर सकता वहाँ पे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉल सेंटर पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। क्या? पर 3 दिन पहले ही बिनी की नौकरी लगी है वहाँ पे। वहाँ पर किसी की नौकरी नहीं लग सकती क्योंकि वो कॉल सेंटर शुरू होने से पहले ही बंद हो गया है। 2 साल पहले। 2 साल पहले बंद? हाँ, लोग कहते हैं कि रात 10 बजे के बाद वहाँ पर आत्माएं आ जाती हैं। आत्माएं? हाँ मैम साहब, रात के 10 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकता। नहीं, नहीं। कैसी आत्माएं हैं? किसी ने देखा तो नहीं पर हाँ आवाजें सुनी, लोगों के चलने की आवाजें, फोन बजने की आवाजें, जबकि उस कॉल सेंटर पे तो पिछले 2 सालों से ताला लगा हुआ है। जी कौन से फ्लोर पे है ये कॉल सेंटर? वो 5वें फ्लोर। लगता है यही वो कॉल सेंटर है जहाँ पे बिनी काम करती है। देख के तो लगता है जैसे सालों से कोई यहाँ पे आया नहीं, तो फिर वो यहाँ काम कैसे करती होगी? मुझे लगता है ललित और चौकीदार ठीक ही कह रहे थे, हो सकता है कि रात के वक्त ही वो सारी आत्माएं आती होगी यहाँ पर। तो फिर तो हमें रात को ही आना चाहिए, इस वक्त तो हमें कुछ भी पता चलने से रहे। ये दरवाजा ये भी नहीं खुल रहा। लगता है ये सारे दरवाजे रात को ही खुलते होंगे। छोड़ रात को ही आते हैं यहां पर। ये तो किसी का बायोडाटा लगता है। ये तो फ्रेश बायोडाटा लग रहा है। लगता है ये आजकल भी आई होगी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। मिस आशी, इसमें तो इसका पता भी लिखा हुआ है। चलो इसके घर चल कर देखते हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अपनी ही बेटी से डर गई? कैसी माँ हो तुम। दीप्ति, दीदी को खाना दो। दीप्ति, फोन नीचे रख। दीप्ति, सुना नहीं मैंने क्या कहा? फोन नीचे रखो,
दीप्ति। जाओ दरवाजा खोल, जाओ। जी कहिए। जी आशी यहीं पर रहती है? जी हाँ आशी यहीं रहती है। क्या काम? जी वो दरअसल हमें ग्लोबल नाम के कॉल सेंटर में काम करना है, इसीलिए हम यहाँ आशी से उनकी राय लेने आए थे। वैसे आप दोनों में से आशी कौन है? मैं हूँ आशी और मुझे उस कॉल सेंटर के बारे में कोई राय नहीं देनी। क्यों, आप वहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी? गई थी मगर मैं वो नौकरी उनके मुंह पर मार कर आई। अब आप लोग यहाँ से जाते या नहीं, या मैं ये दरवाजा आपके मुंह पर मारूंगा। आशी ये क्या तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का? अपने काम से काम रख, मेरे मामले में दखलंदाजी मत दे। जी आप लोग प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाइए, लगता है दी का मूड ठीक नहीं है। क्या हो गया आपको? आज से पहले तो इतना गुस्सा आपने कभी नहीं किया और आज माँ से भी इस तरह बात की आपने। पता नहीं आशी को क्या हो गया बेटा, अजीब सी हरकतें कर रही है। जा के देख क्या, उसने कुछ खाया भी कि नहीं? दोपहर के बाद से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। जा मेरा बच्चा देख क्या। जी माँ। मम्मा वो दीदी के कमरे से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। आप प्लीज़ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ मम्मा। उसी की आवाज है, ये क्या हो गया उसे? आशी
साक्षी बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा? अगर आत्मा है तो कोई ना कोई निशान तो जरूर दिखना चाहिए। हो सकता है कि अफवाहें हों, कहानी जुड़ी भी तो हो सकती है, लेकिन एक बात तो पक्की है, कॉल सेंटर सुनसान पड़ा था, इसलिए बिन्नी का तो यह नौकरी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये वाकई प्यार है या सिर्फ दोस्ती? कहीं मैं इस दोस्ती को प्यार तो नहीं समझ रही हूँ। नहीं, ये दोस्ती नहीं है, दोस्ती से कुछ ज्यादा ही गहरा ये रिश्ता। तो क्या ये प्यार है? हर्ष, वो देखो। ये लाइटें ऑन हो गई। लगता है आत्माएं आ गई। चलो चलकर देखते हैं, देखते हैं आत्माएं हैं या कोई और। चलो ये लिफ्ट तो पांचवें माले पे रुकी हुई है। लेकिन पांचवें माले पे तो कोई जाता ही नहीं, फिर ये लिफ्ट वहां क्या कर रही है? चलो ऊपर चल के देखते हैं, पांचवें माले पे। ये क्या, ये लिफ्ट अपने आप ही नीचे आ रही है। संभल के, अंदर कोई भी हो सकता है। क्या बात है बॉस, आप सब लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं किसी सर्कस का जोकर हूं। तो पांचवें माले से आ रहे हो? हाँ, तो तुम कहाँ गए थे? उस कॉल सेंटर में? हाँ, तुलन ग्लोबल, आज मेरा वहां इंटरव्यू था। इंटरव्यू? पर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे नौकरी भी मिल गई। ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। एनीवे मैं चलता हूं, ये खुशखबरी मेरे दोस्तों को सुनानी है। अगर उस कॉल सेंटर में वाकई आत्मा है तो उन्होंने इसे कैसे छोड़ दिया? हो सकता है कि वो आत्माएं अच्छी हो। अच्छी हो या बुरी वो तो ऊपर जाके ही पता चलेगा।
ये दरवाजा बंद कैसे हो सकता है? अभी अभी तो लड़का इंटरव्यू देके गया था इनसे। और जब हम दिन में आए थे तब तो खुला था, आप अचानक। ये आवाज कहां से है? मुझे लगता है ये आवाज वहां से आ रही है। चलो चलो। थे कौन ये लोग और चाहते क्या है? इस कॉल सेंटर में कुछ तो गड़बड़ है। हमें इस कॉल सेंटर के मालिक से मिलना चाहिए। अब वही देगा हमारे इन सवालों का जवाब। अच्छे लोग हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाएंगे मुझे कोई नुकसान, सच कह रहा हूँ। सच कह रहा हूँ मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखो, समझे ना? अंकल, ये आप किससे बात कर रहे हैं? तुम सोचो सही, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया, मैं कैसे समझाऊं? नहीं, मैं ये आप किससे बात कर रहे हैं? बाबा, तुमने मुझे बाबा कहा? विशु भी यही कहता था मुझे बाबा। विश्वनाथ आपके बेटे का नाम था ना? अभी उसी से तो बात कर रहा था मैं। क्या? पर वो तो मर चुका है। दुनिया के लिए वो मर गया होगा, पर मेरे लिए वो जिंदा है, हमेशा मेरे साथ रहता है। वो किसी को दिखाई नहीं देता सिवाय मेरे। पर ये सब हुआ कैसे बाबा? उन लोगों ने जान ले ली। किन लोगों ने? आप किसकी बात कर रहे हैं? कहीं उन कॉल सेंटर वाली आत्माओं की तो नहीं? कॉल सेंटर? तुम लोग गए थे वहां? नहीं जाना चाहिए था। वो कॉल सेंटर नहीं, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान जहां मुर्दे नहीं, जिंदा लोग गाड़े जाते हैं। जिंदा लोग। बाबा, हर मौत के पीछे एक वजह होती है, एक मकसद होता है। उस कॉल सेंटर में भी जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, जिस वजह से वो कॉल सेंटर नहीं मौत का घर बन चुका है। हुआ था, और इस सब के लिए जिम्मेदार था मेरा बेटा विश्वनाथ, और उसे अपने किए की सजा चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। ऐसा क्या किया आपके बेटे ने कि सिर्फ वही नहीं और भी मासूम लोग मारे जा रहे हैं? उस जगह पर कॉल सेंटर बनने से पहले मेरा एक छोटा सा कारखाना होता था, जहां गरीब बेसहारा बूढ़े काम करते थे। पर मेरे लालची बेटे ने उस कारखाने को बंद करवा के वहां कॉल सेंटर बनवाना चाहा था। तो फिर वो बेचारे बेरोजगार हो गए होंगे? नहीं,
मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने विश्वनाथ को साफ कह दिया कि वहां कोई कॉल सेंटर नहीं बनेगा। फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बेटे ने उन सारे बूढ़ों को मरवा दिया। विश्वनाथ ने मरवा डाला उन सब। पर एक बात भूल गया हूं कि किसी की चिता की आग पर लालच की रोटियां नहीं सेकी जाती। उन बेबस बेसहारा बूढ़ों की आत्माओं ने मार डाला उसे और हर उस इंसान को जो उस कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ था। कितनी बार मिन्नत की उनसे माफी मांगी, लेकिन नहीं सुनते। वो लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। देखोगे? देखना चाहोगे तुम लोग? क्या हम देख सकते हैं? रुको, यही रुको। सबके सब शिकार हो गए विश्वनाथ के लालच की। राघव ने जिस बूढ़ी औरत की फोटो खींची थी वो शायद इन्हीं के कारखाने में काम करती होगी। हाँ, हो सकता है। चलो देखते हैं, देखते कहीं वो बूढ़ी औरत इनमें से एक तो नहीं। ये डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कह ले, ये सब मेडिकल रिपोर्ट्स की साइंस कोई भी जवाब दे, मेरा दिल कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक ना एक दिन तुम जरूर उठोगी, अपने राघव के लिए, अपने इस प्यार के लिए तुम्हें उठना ही होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अपना ध्यान रखना। यहाँ क्या कर रही हो? ये तो क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ रुक जा बीरी। मरना होगा, तुम्हें भी मरना होगा। मेरे सारे राज जान गए हो, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छोड़ दो यामिनी को।
बिली मर गई, पर ये तो एक आत्मा थी, ये कैसे मर सकती है? आत्मा नहीं मरी, सिर्फ बिनी का शरीर मरा है। वो आत्मा बिनी के शरीर के अंदर घुसी हुई थी। अब शरीर नहीं रहा तो वो आत्मा दूसरा शरीर ढूंढने की कोशिश करेगी। उन आत्माओं को अलग अलग शरीर चाहिए, इसीलिए तो वो लोगों को कॉल सेंटर बुलाती थी इंटरव्यू लेने के लिए। राघव, वो फोटोग्राफ दिखाना। ये तो वही औरत है। हाँ, वही औरत। इससे पहले कि ये दोबारा हमें यहाँ ढूंढने आए, हमें उसे ढूंढना होगा उस कॉल सेंटर में। शायद ये इंटरव्यू देने जा रहा है। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, आखिर पता तो चले कि इंटरव्यू के बहाने यहाँ पे होता क्या है। Which floor? पांचवा माला। मैं भी वहीं जा। दिन में जब हम आए तो ये जगह कितनी अजीब थी, और अब देखो। पता नहीं इस लड़के के साथ क्या होने वाला है, कहीं इसकी भी बलि ना चढ़ जाए। एक्सक्यूज मी, सुनिए, इंटरव्यू के लिए आया हूं। कहां जाना होगा इंटरव्यू के लिए? मैनेजर की केबिन में, सीधे जाकर लेफ्ट। रिकॉर्डिंग शुरू करो, देखो कुछ दिख रहा है नहीं। कोई नहीं दिख रहा, सारी की सारी आत्माएं। क्या तेरी इस ऑफिस में तो सारे बूढ़े थे ना, ये जवान लड़का यहाँ क्या कर रहा है? शायद ये भी फंसा हुआ हो इन सबके बीच। नहीं, देखकर तो लगता है जैसे ये भी मिला हुआ इन सारी आत्माओं के साथ। तुम ठीक कह रहे हो, ये भी एक आत्मा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पे ये नौकरी देके। इसमें एहसान की क्या बात, तुम जैसे जवान लोग नहीं रहेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा?
या सर। सर मैं अब चलूँ, कल से आता हूँ काम पे। थैंक यू। जाने से पहले अपने साथियों से नहीं मिलना चाहोगे? हाँ हाँ सर, मिलवाइए ना। कैसे सभी फोन बजने बंद हो गए? मुझे तो लगता है कि इनमें से किसी की आत्मा आज ही कब्जा करेगी इसके शरीर पर। राकेश जी, आया सर। ये आज से आपके साथ काम करेंगे। हेलो, बड़ी खुशी है आपसे। ये कैसे हुआ? मैं आपको छू क्यों नहीं सका? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? बड़ा अच्छा लगा। मेरा शरीर बाकी है। ओ नो, ये लोग इसका भी वही हाल करेंगे जो बिनी का किया। वैसा नहीं होने दूंगा। नहीं यार, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। लेकिन यामी, हमें कुछ तो करना होगा। ये क्या? कॉल सेंटर की शिफ्ट खत्म हो गई। चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। चलो। आइए आइए, इंटरव्यू के लिए आए। मैंने तो सोचा था कि आज के इंटरव्यूज खत्म हो गए। चलो कोई बात, हमारे यहां तो इतना काम है कि जितने भी लोग आए कम पड़ जाते। चलिए इनको काम पे लगा देते हैं। ये कैसी जगह? बाहर आने के बदले हम और अंदर बंद हो गए। अगर हमने यहां से जल्दी नहीं की, हमारा भी यही हाल होने वाला है। लगता है यह सामान इन आत्माओं का है। आत्माओं की आवाजें आनी बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहां से बाहर निकलने का।
लोगों ने क्या सोचा? ये मामूली सा दरवाजा तुम्हें आत्माओं से बचा लेगा? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। शायद मैनेजर ही वो आदमी था जिसकी वजह से ये सारी आत्माएं इंसानी शरीर से जुड़ी हुई थी, और इस मैनेजर को खत्म करके इन सारी आत्माओं को हमने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चलो, अब ना ही इस कॉल सेंटर में कोई इंटरव्यू होगा और ना ही किसी की जिंदगी जाएगी। हाँ, हमने इन आत्माओं को तो खत्म कर दिया है, बस सिर्फ उन आत्माओं को ढूंढना बाकी है जिन्हें नया शरीर मिला है। चलो। आपने मुझे ये नौकरी दिलवाकर बहुत बड़ा एहसान किया। कैसी बातें कर रही है? इसमें एहसान की कोई बात नहीं। मैं इस कॉल सेंटर की नई मैनेजर हूँ, और इसमें काम करने के लिए जवान लोग तो चाहिए ही, है ना? चलिए, लेट हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है।
चल 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 मोहित 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 अरे लेकिन उसकी ग्लाइडर तो यहीं गिरी थी, मैंने देखा था। अरे कहीं मोहित डूब तो नहीं गया इस झील में? पागल हो गया क्या? मोहित तैरना बहुत अच्छे से जानता है। इसको ढूंढते हैं यार, यहीं पर कहीं होगा। मोहित 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 क्या तुम हमें सुन सकते हो? कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें डराने के लिए मजाक कर रहा है? अरे हाँ याद है, पिछली बार उसने हमारे साथ ऐसा ही मजा किया था। अरे हाँ यार, कहीं यहीं छुपकर हमारा तमाशा देख रहा होगा। चलो यार चलो, उल्लू नहीं बनना इस बारे में। मोहित, हम जानते हैं कि तुम ठीक हो, हम जा रहे हैं, घर लौट आना। बाय बाय मिस्टर मोहित। बाय बाय मोहित। मोहित क्या हुआ यार? पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही है। ओह, इंजन गर्म हो गया है, रेडिएटर में पानी डालना पड़ेगा। एक मिनट यार। ये लो, पानी को भी अभी खत्म होना था। टेंशन नहीं भाई, पीछे देख, पानी के लिए इतनी बड़ी झील है, मैं जाके लेके आता हूँ। दे। चलो यार साहिल, मुझे दो दिन के लिए तो अपनी गाड़ी दे सकता है? हाँ ले ले, लेकिन क्यों? अरे यार वो महाबलेश्वर में पापा की प्रॉपर्टी है ना, उसके कुछ पेपर साइन करवाने। ठीक है, लेकिन हमें घर तो छोड़ देगा ना? क्या मुझे तुम लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा? तो? अरे मुझे तो लगा था तुम लोग पैदल ही चले जाओगे। अबे तेरी।
आ गया पानी। अरे वाह। अरे इतने हाथ को क्या हो गया यार? लगता है झील का पानी गंदा था इसलिए एलर्जी हो गई। छोड़ना, कल डॉक्टर को दिखा दूंगा। चल अब। चल यार, अजीब अजीब काम करते। चल राज, एंजॉय कर, दो दिन बाद मिलते हैं। हाँ यार। साहिल थैंक्स, तूने मुझे अपनी गाड़ी दी है। अरे थैंक्स की क्या बात है, जो मेरा है वो तेरा भी है, सिवाय बीवी कुछ और। चल यार वापस तो उसको फोन करना होगी। पक्का। बाय बाय, मिलते हैं। सी यू यार, मिलते हैं। थैंक्स यार। चल यार, सी यू, बाय। चलो भाई, चलो। हाँ जी बोलिए सर। गाड़ी वॉश करानी थी। अच्छा ठीक है, आप उधर जाइए, गाड़ी को ऊपर चलाना पड़ेगा। नहीं यार, मैं खुद ही चला लेता हूँ, इसका भी एक्सपीरियंस करके देख लूँ। बाहर से पानी आ रहा है, मैं अंदर बैठा हूँ। तो ठीक है, चलाइए। सर जी, गाड़ी नीचे लो, वॉश हो गया सर जी। सर जी, ये तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। यू वेलकम। ये यामिनी की। ख्यालों में खोया है कोई, यादों में खोया है कोई। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? गाना गा रहा हूँ यार। यादों में खोया है कोई। प्लीज राघव, अगर तुम ऐसे ही बेसुरे गाओगे ना तो ये रेस्टोरेंट वाले में बाहर फेंक दूंगी। ख्यालों में खोया है कोई। राघव। ओके। अच्छा यामिनी, बताओ तो सही, तुम किसके बारे में सोच रही हो? है कोई जिसने मेरा दिल चुराया। क्या बात कर रही हो, कौन है वो बदनसीब? सॉरी, खुशनसीब। क्यों, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो जानने के लिए? तुम्हारा दोस्त हूँ भाई, मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है। बस है कोई। वैसे इंसान ही है ना, पता चला किसी आत्मा से दिल लगा बैठी। अगर जल्द हम सब अपने अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो शायद वो दिन भी दूर नहीं। Actually, चलो जल्दी से कॉफी पी लो, हमें झील पे भी जाना ना शूटिंग करने के लिए। पता नहीं इस बार दुर्जन कौन सी आत्मा से पिटवाने वाला है हमें। वैसे यामिनी, असली बात है तुम पलटी मार गई। कौन सी बात? वही दिल चुराने वाली। राघव प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी,
चल चलते। अरे अरे यामिनी, यामिनी तुम्हारी स्मूदी। यार ये तो बुरा मान गए यार, तुम भी ना, तुम हमेशा उसे तंग करते रहते हो। यामिनी, अरे यामिनी तुम्हारी स्मूदी। यार ये प्यार दिखाना भी प्रॉब्लम, जताना भी प्रॉब्लम। यार ये कमबख्त इश्क। पीयूष, पीयूष क्या बात है? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, क्या बात है? अरे हम लोग वो मोहित को ढूंढने के लिए गए थे, उसके ग्लाइडर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी ना। प्रॉब्लम आ गई थी? क्या हुआ उसे? पता नहीं क्या हो गया, वो गायब हो गया। क्या गायब हो गया? हाँ, मिल ही नहीं रहा। तो फिर अब क्या होगा? अब होगा क्या, आ जाएगा खुद म खुद, पिछली बार भी तो उसने ऐसे ही मजाक किया था ना। अच्छा तो ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। क्या आलू के पराठे, क्या बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? वो लगता है झील के पानी से कोई एलर्जी हो गई। तुम झील की तरफ गए थे? अरे तुम्हारी तो पूरी जैकेट खिली हो गई है, लाओ इसे मैं उतार देती हूँ। तुम जाओ, तैयार हो जाओ।
लो झील पे तो आ गए, पर रिकॉर्डिंग किसकी करनी है? इस झील की, इसलिए दुर्जन ने हमें यहां भेजा है। जरूर इस झील में कोई शैतानी शक्ति होगी। हाँ, दिखने में ही इतनी डरावनी लग रही है ये झील। चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। झील तो रिकॉर्ड हो रही है, पर कोई आत्मा ही नहीं दिख रही। ऐसे तो हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, मुझे इस झील के अंदर जाना ही होगा। नहीं हर्ष, दुर्जन ने हमें चेतावनी दी है कि हम भूलकर भी झील के अंदर नहीं जा सकते, झील के पानी को छू तक नहीं सकते। पर यामिनी बिना अंदर जाए हम वो आत्मा को देखेंगे कैसे? हर्ष, यामिनी वो देखो। लगता है कोई ग्लाइडर ग्लाइडिंग करते हुए झील में गिर गया। स्काई हाई ग्लाइडर्स, हमें इनके ऑफिस में जाकर इनको बताना चाहिए। हाँ, और शायद वहां से हमें इस झील के बारे में कुछ और भी पता चल जाए। ये मोहित का ग्लाइडर, उस दिन तो दिखा नहीं था यार हमें। जरूर इस पानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस पानी की वजह से आज मेरी बीवी गायब हो गई। क्या बोल रहा है यार, होश में है तू पीयूष? अरे होश खो बैठा हूं मैं यार, मेरी बीवी गायब है, मेरा दोस्त गायब है। पीयूष, पीयूष रुक। मीना, राज, मोहित। पीयूष तू क्या बोल रहा है यार, तेरी मीना यहाँ आई नहीं थी, वो तो घर से गायब हुई थी। बोल, बोल कहाँ है पीयूष? पीयूष नहीं, पीयूष नहीं, पीयूष मत जा, पीयूष, पीयूष। पीयूष मीना, पीयूष मत जा यार। मीना, पीयूष मत जा। देख यार, ये मजाक नहीं है। पीयूष, 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 मिसेस साहिल जी कहिए। हाय, हम अभी अभी झील से होके आ रहे हैं। उस झील में हमें एक ग्लाइड मिला है जिस पर आपकी कंपनी का लोगो है। व्हाट, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमारी सारी ग्लाइड्स तो स्टोरेज रूम में। आर यू श्योर? क्या आप लोगों को पूरा यकीन है कि आपके स्टोरेज में से एक भी ग्लाइड गायब या कम नहीं हुई? एक मिनट, एक मिनट, एक ग्लाइड कम है जो मोहित लेकर गया था। मोहित? मोहित कौन? मोहित एक्चुअली हमारी ग्लाइडिंग टीम का एक हिस्सा है। वो कल एक छोटा सा हादसा हो गया था जिसमें वो गिर गया। हम लोग उसे ढूंढने के लिए गए भी थे झील की तरफ, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। शायद मजाक कर रहा होगा। मजाक? हाँ, वो अक्सर ऐसे मजाक करता रहता है हमारे साथ। शायद इस बार ये मजाक ना हो, हो सकता है कि वाकई वो उस झील में डूब गया। आई एम सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं है, वो अपने कॉलेज का स्विमिंग चैंपियन था, वो डूब के मर ही नहीं सकता। तो फिर वो ग्लाइड वहां पे पहुंची कैसे? हेलो,
जी हाँ बोल रहा हूं. व्हाट? कैसे? ओके थैंक्स. यार बड़ी अजीब चीज हो गई है. क्या? वो कल रात को मैंने राज को गाड़ी दी थी ना. हाँ. वो सड़क पे लावारिस मिली है और राज भी गायब है. क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये राज कौन है? हमारा दोस्त. देख तू घबरा मत, मैं उसका फोन ट्राई करता हूँ. उसका फोन बंद आ रहा है. चल मेरे घर चलते हैं, वो गाड़ी भी वहीं पे पहुंचा दी गई है. हम लोग भी तुम लोगों के साथ ही चलते हैं. कहाँ मिली आपको ये गाड़ी? ये गाड़ी मेरे पास वॉशिंग के लिए आई थी और पता नहीं जो आदमी ये गाड़ी लेकर आया था वो अचानक से गायब हो गया. गायब हो गया? यार अजीब है ये राज. वो ना एक्चुअली मैंने ये गाड़ी अपने दोस्त राज को दी थी. लेकिन कार के आसपास कोई तो दिखा होगा आपको, यहाँ वहाँ कोई तो होगा. गाड़ी के पास कोई भी नहीं था. गाड़ी में पेपर से उससे पता चला ये गाड़ी आपकी है. सो मैं लेके आया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. कितने पैसे हुए आपके? 500. एक मिनट. ये गाड़ी में खून कहाँ से आया? वही तो बोल रहा हूँ, आपका दोस्त था. जैसे कार वॉश के बाद मैंने दरवाजा खोला, अंदर आपका दोस्त नहीं था, सिर्फ खून की चीटे थे. चल चल कर देखते. मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है. पहले मोहित और अब राज, और उस पे एक खून. जरूर राज के साथ कुछ बुरा हो गया. भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है. यार मुझे भी. तो एक काम करना, वीरू और पीयूष को फोन करना. अरे यार ये लोग भी फोन नहीं उठा रहे. लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हम सब पर. ये जो लोग गायब हो रहे क्या बता सकते हैं ये सब कब से हो रहा है? जिस दिन से हम उस मनहूस झील पे गए बस तभी से ये सब हो रहा है. उस झील के बारे में तुम्हें क्या मालूम? बस इतना ही पता है कि वो झील 25 साल पुरानी है. 25 साल पुरानी? बस उससे पहले? लोग कहते हैं कि ये झील उससे पहले थी ही नहीं. क्या? वहां झील नहीं थी तो फिर क्या था? पता नहीं. हमें पता लगाना ही होगा कि उस झील का राज क्या है. अगर आप लोगों के दोस्त वापस आ जाए तो आप लोग प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा. जरूर. चलो. यार तू जल्दी से पीयूष के घर जा, तू देख वो ठीक है कि नहीं. हाँ मैं वहां जाता हूँ, तब तक तू वीरू को जाके देख. हाँ मैं बस जल्दी से रेडी होके बस वहीं जा रहा हूँ. मैं वहां पहुंच के तुझे फोन करता हूँ. ठीक है? अपना ख्याल रखना भाई. हाँ यार तू भी. कितने पैसे हुए आपके? 500. एक फिर. ये लीजिए. थैंक यू.
सिग्नल अपने आप तेज कैसे हो गए? ये नल अपने आप चालू कैसे हो गया? ये आखिरी है बस। 25 साल पहले की बात, पता नहीं वो खबर हमें मिलेगी या नहीं। अचानक से एक दिन सूखी जमीन पर झील आ गई, ऐसी चौंकाने वाली खबर तो न्यूज़पेपर में होनी ही चाहिए। तेज बारिश ने गांव को डुबो दिया। नई झील का निर्माण। राघव हर्ष, ये देख। इसका मतलब 25 साल पहले तेज बारिश की वजह से ये गांव झील बन गया। हाँ, सारे गांव वाले वहां से भाग गए थे सिवाय एक परिवार के, जिनकी बाद में मौत हो गई। उस झील के अंदर जो आत्माएं हैं, कहीं वो उन परिवार वालों की तो नहीं? हो सकता है। एक मिनट, इस खबर में तो ये लिखा है कि उस परिवार का सबसे छोटा बेटा बच गया था, लेकिन वो तब से लापता है। फिर तो शायद वो छोटा बेटा अभी भी जिंदा हो और वो रोक पाए इस मौत के तांडव को। पर हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? इस परिवार के पड़ोसी विजय ने खबर दी थी अखबार वालों को। मतलब शायद विजय कुछ जानता हो उस छोटे बेटे के बारे में। हाँ, मैंने ही बताया था अखबार वालों को उस दुर्घटना के बारे में। आज भी जब उस घटना के बारे में याद करता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वो परिवार अपने घर में इंतजार कर रहा था अपने बेटे के वापस आने का। नाम क्या था उसका? विपुल, मेरा दोस्त था। वो वापस नहीं आया। उसके परिवार वाले डूब गए बाढ़ के पानी में उसका इंतजार करते करते। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार वालों को वापस मिलने ही ना गए? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। सगे माँ बाप से बढ़कर कुछ होता है क्या? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? चलो
छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहाँ? कहाँ? और कितने लोगों की जान लेगा? फिर कहाँ है तू? मैंने साहिल, मोहित, वीरू और कितने लोगों की जान लेगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा। पानी है जहर, एक एक करके सबको निकल गया। विपुल ही है ना? हाँ मैं ही हूं। आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि झील के अंदर कौन है। क्या झील? क्या बात है? झील का नाम सुनकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? चले जाओ, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहां से। मार डालेगी वो झील मुझे, मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? झील के अंदर तो आपका परिवार ही तो है। मरा हुआ परिवार है ना? ये तुम लोगों को कैसे पता? कैसे पता तुम लोगों को? आपके घर वालों ने कई मासूम लोगों की जाने ली है। हम चाहते हैं कि ये मौत का खेल रोकने में आप हमारी मदद करें। मार डालेंगे वो लोग मुझे भी, मार डालेंगे। आप चलिए हमारे साथ। नहीं जाऊंगा मैं वहां, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। कायरों की तरह घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको पश्चाताप करना चाहिए 25 साल पहले उस शाम के लिए जब आपके गांव में बाढ़ आई। ये मेरा और मेरे परिवार का आपसी मामला है। तुम कौन हो तो बीच में बोले बोले? मैं कहता हूं निकल जाओ, फौरन निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, जाओ। चलिए मैं आपकी मदद करूंगा, अब और लोगों को मरने नहीं देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम राहुल है, मैं विपुल जी का बेटा हूं। ओ, तो तुम विपुल के बेटे हो। कभी कभी पिता के पापों का बोझ बेटे को उठाना पड़ता है। लेकिन राहुल, झील पर जाना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है इसमें। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, और जो लोग पानी में हैं, वो मेरे परिवार वाले ही हैं। शायद मुझे नुकसान ना पहुंचाए। ये पानी जहरीला है, पानी अमृत होता रहा, लेकिन गुस्से और बदले की कड़वाहट ने इस अमृत जैसे पानी को जहर बना दिया है। एक ऐसा जहर जो एक एक करके लोगों को मार रहा है। ये जहर वापस अमृत कब बनेगा? जब मैं अपने पिता की गलतियों की माफी मांग लूंगा। अपने पूर्वजनों से राहुल, मैं ऐसे अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। हर्ष,
हर्ष, हर्ष, तुम ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों अपने आप को बार बार आफत में डालते? क्या जरूरत है ये सब करने की? इस खूनी झील का ये मौत का सिलसिला रोकने के लिए मेरा झील के अंदर जाना बहुत जरूरी था यामिनी। मेरे पिता इसके जिम्मेदार थे। उन्होंने अपनी जान देकर 25 साल पहले किए पाप का प्रायश्चित किया। लेकिन यही प्रायश्चित अगर उन्होंने 25 साल पहले किया होता तो इन मासूमों की जान ना गई होती। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।